बैठ के खा रहे थे ना तो वो अच्छा लगती। चलो ठीक है, बढ़िया गोल पिकनिक मनाया सुन खा तो पंखा से थी। अच्छा ठीक 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 धन्यवाद। जैसे दुर्गा पक्ष आता है, हम लोग दुर्गा रखते हैं, माँ दुर्गा का स्वरूप, तो मिट्टी की दुर्गा माता की प्रतिमा को रख के हम लोग 9 दिन बड़े भाव से पूजा करते हैं। और जब भोग कराने का समय आता है तो हम प्लास्टिक में बच्चों को भोग कराते हैं या बहुत बड़ा भोग भंडारा कराते हैं और उसी मिट्टी में हमको फेंकना रहता है कचरा। तो इस बात पे भी मुझे चिंता लगती थी कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हमको तो दुर्गा माता तो मिट्टी ही तो है, जब अगर मिट्टी को हम सुरक्षित नहीं रख पाए और उनके नाम पे उन्हीं को दूषित कर रहे हैं तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है। तो ये तर्क भी लगाई मैं और लोगों को जागरूक करना स्टार्ट की कि सबसे प्रथम पूजनीय तो प्रकृति है और माँ दुर्गा भी प्रकृति का ही एक रूप है। तो फिर मुझे और बल मिला, प्रोत्साहन मिला। तो ऐसे मैंने छोटे छोटे तर्क वितर्क भी इस क्षेत्र में बहुत करने की कोशिश करती हूँ, पढ़ती हूँ, कथाओं को सुनती हूँ कि कथा के पीछे क्या उसका मार्मिक संदेश है। तो मुझे शिव पुराण में भी, शिव भक्ति में भी मुझे यही लगा कि भगवान शिव कितने प्रकृति भक्त थे। उन्होंने संदेश दिया है कि कैलाश पर्वत में रहने का संदेश भी हमको जंगल से जोड़ता है और उनको जंगल के, उनके मित्र थे सभी जंगल के जीव जंतु, ऐसा कहने से भी वो एक संदेश ही है कि हमको अपने जीव जंतुओं से, जानवरों से प्रेम रखना चाहिए, उनको मार के खाना नहीं चाहिए, मांसाहार हमको नहीं बनना है। माँ गंगा को जटा में सबसे ऊपर स्थान दिए हैं ये भी हम कथा में सुनते हैं, तो पानी का स्थान सर्वोच्च है ये, ऐसा एक कथा से भी अगर आप एक कथा सुनते हैं, कथा का श्रवण करते हैं तो आपको उनसे संदेश लेना चाहिए और कथा के पीछे का मार्मिक पक्ष को भी आपको सोचना चाहिए। सक्रिय तो गांव वाले बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं क्योंकि उनको मिट्टी का महत्व, पानी का महत्व और हमारे पशुधन जो बदबूदार पत्तल को खा लेती हैं भोजन में, जो हम उपयोग करके फेंक देते हैं खा के, तो उस पर फोकस करके मैं जागरूकता करती हूँ तो काफ़ी बदलाव है। गाँव गाँव में, हर गाँव में आप जाएंगे तो चाहे वो पंचायत खरीदा है बर्तन या बहुत सारे समाज हैं हमारे अलग अलग छोटे छोटे समाज, तो उन्होंने खरीदा हुआ है वहाँ पर। जी बिल्कुल, शासन ने भी इसमें बहुत ही महती भूमिका निभाई। जैसे स्वच्छ भारत मिशन ने भी मुझे रिटर्न में मांगा था तो मैंने लीक कर दिया था कि किस प्रकार बर्तन बैंक खोलने से गाँव स्वच्छ हो रहे हैं, कचरा नहीं हो रहा है, तो वो उन्होंने भी अप्लाई किया और अपने स्वच्छाग्राही महिला स्व सहायता समूहों को निर्देश दिए कि बर्तन बैंक की स्थापना करना, और उन्होंने कुछ अनुदान भी दिए हैं ऐसा महिलाओं का कहना है। और नगर निगम में भी हमारे, मैंने अपने स्थानीय विधायक माननीय ताम्रध्वज साहू जी को भी आवेदन दिया तो उन्होंने भी अनुदान राशि दिए हैं कई समाजों को जो उनके पास गए हैं उनको बर्तन खरीदने के लिए और अपने गांव को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए। और नगर निगम रिसाली, नगर पंचायत उतई और भिलाई नगर निगम और आसपास के नगर निगमों में भी ऐसी सूचना मिली है कि बर्तन बैंक की स्थापना हुई है। आगे इस अभियान को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, अंतिम उद्देश्य क्या?
अंतिम उद्देश्य तो यही है कि प्लास्टिक का जो भोजन में हम प्लास्टिक उपयोग करते हैं अंधाधुंध तरीके से, वो पूर्णतः बंद हो। पेड़ वाला पत्ता दोना का उपयोग करें भोजन में, ताकि वो सड़े और हमारी मिट्टी जो है, जो प्लास्टिक का आज ढेर बन गया है, वो चट्टान बनते जा रहा है, पत्थर बनते जा रहा है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो रही है, तो वो पूर्णतः बंद होगा। तो एक स्वस्थ मिट्टी में फिर हम स्वस्थ मानव ग्रो करेंगे, जीव जंतु भी उससे सुरक्षित रहेंगे। जी, प्रेरणा तो मैं किसान परिवार की बेटी हूँ, और किसान परिवार की बेटी होने के नाते प्रकृति से जुड़ाव लगाव तो बचपन से ही था। मैंने बहुत नज़दीक से खेत खलिहान, जल जंगल, ज़मीन देखा है, पानी देखा है। तो और शादी के बाद भी मैं गृहिणी होते हुए भी कई धार्मिक आयोजनों में जाती थी, पारिवारिक आयोजनों में, तो देखती थी कितना कचरा होता है। फिर न्यूज़ के माध्यम से पेपरों में पढ़ती थी कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना कितना आवश्यक है, और इसके लिए वृहद रूप में आयोजन किए जा रहे हैं प्लास्टिक प्रदूषण के लिए। पर जब मैं गहराई से देखी उसके पीछे रीज़न, तो जहाँ पर प्लास्टिक का बैन करने के लिए जो आयोजन किया गया, उसमें खुद ही प्लास्टिक का डिस्पोजल से पानी पिया गया और उसको फेंक करके हम चले गए। तो मुझे लगा कि इसका तो विकल्प है कि हम यहाँ गिलास रखें, कंटेनर रखें, और तो कचरा भी नहीं होगा और कार्यक्रम भी सफल होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।